तो चलिए दोस्तों, लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नया वीडियो। हाँ रुकिए रुकिए, मैं बताता हूँ कि हम इतने दिन वीडियो क्यों नहीं डाल रहे थे। मुझे पता है कि आप यही क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो आपको मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटीज भी ओपन हो चुकी है, साथ ही साथ में पीसी का, साथ ही साथ में वेबसाइट का, और साथ ही साथ में एक नया सेटअप भी बिल्ड कर रहे हैं। तो पूरा आपको अब आज से रेगुलर वीडियोज आने वाली है, तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेब्रोनिक्स के जैब वायर स्पीकर्स के बारे में। तो गाइस, आपने 8GB सेटअप भी बिल्ड किया है, लेकिन आप सिंपल सी चीज इग्नोर कर देते हो, स्पीकर्स, बेस्ट स्पीकर और बेस्ट बजट स्पीकर विद RGB लाइट्स, ऐसा बहुत ही कम स्पीकर्स है। और आज इसी स्पीकर की बात करने वाले हैं, साथ ही में डिटेल रिव्यू देंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग को। तो अब जल्दी से कर लेते हैं शुरू अनबॉक्सिंग को। जैसा कि आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, RGB लाइट्स, जेब्रोनिक्स की अनबॉक्सिंग। अब देख लेते हैं कि क्या है इस बॉक्स के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो, ब्रांड एम्बेसडर की फोटो है यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है जेब्रोनिक्स के 2.0 स्पीकर जैब वॉरियर। और यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसा कि आप देख सकते हो 10 वाट का इसके अंदर आपको आउटपुट मिलेगा पावर का, साथ ही साथ में बहुत ही लाइट वेट है, 648 ग्राम का आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ में 3.5 mm का ऑक्स केबल देखने को मिलेगा। तो अब जल्दी से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स, और आपको पहले ही बता देता हूँ प्राइस और जो साउंड टेस्ट है आगे वीडियो में मिलेगा, तो जल्दी से पूरी वीडियो देखनी है आपको। तो गाइस, अब सबसे पहले जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का आपको फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन द बॉक्स हमारे को 2 स्पीकर्स मिले हैं, साथ ही साथ में दोनों केबल से कनेक्टेड हैं। और जैसे कि मेटल की बात करें तो हार्ड प्लास्टिक है, और साथ ही साथ में RGB सपोर्ट भी है। जैसे कि आप देख सकते हो, इस दो तरीके का आपको स्पीकर, और साथ ही साथ में आपको एक अडेप्टर के लिए और एक ऑक्स केबल के लिए आपको यहाँ पे केबल दी गई है। और इनको यूज कैसे करना है वो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये आप, जैसा कि आप देख सकते हो, आपको ये स्पीकर का वॉल्यूम रॉकर मिलेगा, जिससे आप ऑडियो कंट्रोल कर सकते हो, उसकी कितना तेज और कितना स्लो करना है, उसको मीडियम कर सकते हो। और अगर नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे 4 स्टैंड मिलेंगे, कहीं पे भी आप इसको कंफर्टेबली रख लोगे, आराम से खड़ा हो जाएगा। और पीछे की तरफ देखें तो आपको जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग दिखेगी, बारकोड वगैरह है। बात करें इन दोनों की लुक्स के बारे में, तो एकदम गेमिंग लुक दे रहा है, एक अच्छा लुक आपको दे रहा है, जिसके अंदर आप गेमिंग सेटअप के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इसको चलाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 केबल देखने को मिल रही है, इसको आप कनेक्ट करोगे अपने डिवाइस के अंदर, और इसको एक अडेप्टर के अंदर कनेक्ट कर लोगे, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। जैसे कि आप इसके अंदर एक अडेप्टर लोगे और इसको यहाँ पे सिंपली कनेक्ट कर लोगे, इसको जो भी होल्डर है उसके अंदर आप वहाँ से कनेक्ट कर लेना, वहाँ से स्विच ऑन कर देना, और इसको आप अपने डिवाइस के अंदर कनेक्ट कर लेना। और कुछ इस तरीके का आपको ये देखने को मिलेगा। यूएस से कनेक्ट करने के बाद में सिंपल सा स्विच ऑन करो, और कुछ इस तरीके का आपको लुक देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा लुक आपको देखने को मिलेगा, गेमिंग फील दे रहा है, इसलिए मैं कह रहा था कि गेमिंग लुक को एनहांस कर रहा है ये, एक अच्छा सेटअप के लिए एक स्पीकर जो आप इसको प्रीफर कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, स्ट्रिप चेंज हो रही है अपने आप, ये ऑटोमेटिकली रहती है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो गाइस, फाइनली बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो मेरे को ही 499 के अंदर मिला था, और आप इसको इजीली आप 500 से 700 के बिटवीन में इसको बाय कर सकते हो। अब अपन देखते हैं साउंड टेस्ट, इसका साउंड टेस्ट कैसा रहने वाला है, आप देखिए। सो गाइस, बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। तो काफ़ी हद तक अच्छी आपको साउंड क्वालिटी मिल रही है, साथ ही में बात करते हैं बेस की, वो भी काफ़ी अच्छी मिल रही है, लेकिन वीडियो के अंदर आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस, अनबॉक्सिंग आपने देख ली, अब बात करते हैं इसके डिटेल रिव्यू के बारे में। सबसे पहले कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर इतना अच्छा स्पीकर आपको मिल रहा है, साथ ही साथ में RGB लाइट्स मिल रहे हैं, लेकिन बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की, तो डिसेंट गुड है, लेकिन इस प्राइस रेंज में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ में बात करते हैं कि किस तरीके की लुकिंग है, तो लुकिंग एकदम बेस्ट है, इस प्राइस पॉइंट के अंदर बेस्ट लुकिंग आपको दे रहा है जेब्रोनिक्स। और भी अगर आप प्राइस जैसे जैसे बढ़ाओगे तो और अच्छे आप इसके अंदर प्रीफर कर सकते हो, लेकिन साउंड क्वालिटी की बात करें तो ठीक ठाक सी साउंड क्वालिटी है। सो गाइस, अब बात करते हैं जैसे भी किसी प्रोडक्ट को अपन अगर नंबर दे 10 में से, तो 10 आउट ऑफ ये 8 गेन करता है इस प्राइस पॉइंट के अंदर डिसेंट साउंड क्वालिटी के साथ। बात करें, ये ऑनलाइन मिला है 499 के अंदर, प्राइस के अंदर अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप बाय कर सकते हो। एक बात, साथ ही साथ में अब आज से रेगुलर वीडियोस अपलोड होने लग जाएगी, तो स्टे ट्यून। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।